नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की पांचवी बड़ी नदी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी माँ नर्मदा के बारे में, पूरे डिटेल्स में और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से जलप्रपात है, विद्युत परियोजनाएँ, सहायक नदियाँ, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, कहाँ कहाँ संगम हैं और उनके प्राचीन नाम, तो उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी में गिरने तक का सफर आज हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आपका स्वागत करता हूँ। नर्मदा नदी भारत की पांचवी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए अब देख लेते हैं उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी में गिरने तक का सफर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अनूपपुर में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वहां से बहती हुई आगे सरस्वती सरोवर, पुष्कर सरोवर, कबीर सरोवर, फिर वहां से बहती हुई कपिलधारा जलप्रपात आ जाता है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा में बिहड़ नदी पर बना हुआ है। फिर वहाँ से दुखधारा जलप्रपात, फिर डिंडोरी मंडला के पास से होकर फिर बरगी बांध आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ती हुई जबलपुर के भेड़ाघाट में आकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर आगे चलकर होशंगाबाद में प्रवेश करती है। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो कि तवा नदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर है, होशंगाबाद में। ये बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ नहीं है, ठीक है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तवा नदी पर। फिर वहाँ से नेमावर से आगे बहती हुई, फिर सबसे महत्वपूर्ण है इंदिरा सागर बांध, जो कि खंडवा जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है इंदिरा सागर बांध, खंडवा जिले में है। फिर वहाँ से बहती हुई ओंकारेश्वर में प्रवेश करती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर डैम बना हुआ है। ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा और कावेरी नदी से होता है। वहाँ से बहती हुई फिर आ जाता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि खरगोन जिले के महेश्वर में है। ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। फिर आगे चलकर हथनी नदी इसमें मिल जाती है, और फिर नर्मदा नदी महाराष्ट्र और गुजरात सीमा में प्रवेश कर जाती है, और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है बांध के बारे में, कौन कौन से बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। बांध के बारे में क्वेश्चंस आता ही आता है। सबसे पहला बांध इंदिरा सागर बांध, यह पुनासा जिला खंडवा में है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध हो गया। उसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, बरगी बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। अब इन सब में से जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है परियोजना, कौन कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो पहली है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, ये सारी परियोजना नर्मदा नदी पर। उसके बाद आते हैं जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी के हैं। तो पहला आता है धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर भेड़ाघाट में है। उसके बाद कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में, दुखधारा जलप्रपात अनूपपुर में, मंधार जलप्रपात बड़वाह में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में, दर्दी जलप्रपात
बड़वा के निकट है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियाँ नर्मदा, सोन, ताप्ती, चंबल, बेतवा। प्रख्यात खगोलविद टाल्मी ने नर्मदा को नामोदास कहा है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने नर्मदा को नामोदास कहा है, तो प्रख्यात खगोलविद टाल्मी ने नर्मदा को नामोदास कहा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर में 3 नदियां नर्मदा, सोन एवं जोहिला का उद्गम स्थल है। यह भी पूछा जाता है कि अमरकंटक में नर्मदा के अलावा किन किन नदियों का उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर नर्मदा हो जाएगी, सोन हो जाएगी और जोहिला हो जाएगी। नर्मदा और छिपरा का संगम उज्जैनी इंदौर में हुआ है। इंदौर जिले के उज्जैनी गांव में नर्मदा और छिपरा का संगम हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है, तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश में मुख्य 15 जिलों में है। ठीक है, उसके बाद है नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 151 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के प्राचीन नाम एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। तो नर्मदा नदी के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, सबसे पहला है रेवा, नामोदास, सोमोदेवी, शंकरी और रुद्रकन्या। चलिए उसके बाद खास बात क्या है, किसमें नर्मदा को रेवा का संबोधन किया गया है, तो कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेवा का संबोधन किया गया है। नर्मदा सेवा यात्रा कब प्रारंभ की गई, तो 11 दिसंबर 2016 को। ठीक है, नर्मदा सेवा यात्रा कब प्रारंभ की गई, 11 दिसंबर 2016 को, और कब पूर्ण हुई, 11 मई 2017 को। कितने दिवसीय थी, 144 दिवसीय थी और 16 जिलों में यात्रा थी। नर्मदा नदी को 15 मई 2017 को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नर्मदा नदी को 15 मई 2017 को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दी गई घंटी को भी दबाएं, जिससे हर नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।